नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका। आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे चैनल भाग्य दृष्टि पर। आज विषय है आपकी मृत्यु के बारे में, क्योंकि ज्योतिष हर चीज बताती है, मृत्यु के बारे में भी अपनी कुंडली से आप जान सकते हैं कि आपकी मृत्यु कब होगी। और आज इसी फॉर्मूले को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सामने, और ये बताने के लिए कि आपकी मृत्यु कब होगी, क्योंकि जो ये ज्योतिष का ये फॉर्मूला है ये 90% बिल्कुल सटीक बैठता है, यानी 90% सटीक है ये फॉर्मूला। यदि आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम है तो आप अपनी कुंडली बना लीजिए। चलिए बात शुरुआत करते हैं कि आज आपकी मृत्यु के बारे में, कि आपकी मृत्यु कब होगी। मित्रों, सबसे पहले तो ये लग्न कुंडली आप देख रहे हैं कि लग्न कुंडली आपने ये देखी होगी कि जन्म कुंडली के अनुसार ये लग्न कुंडली बनती है। तो सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है। डेट ऑफ बर्थ आज हम एक छोटा सा एक एग्जांपल लेने के लिए, ये 13 अगस्त 1986 1986 का जन्म है और बुधवार है। इस फॉर्मूले को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें एक जरूरत पड़ती है हमें सन की और वार की। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन कौन सा वार था, तो उसके आधार पर यह फॉर्मूला सटीक बैठता है। क्योंकि मानसागरी के अनुसार जिसका रविवार का जन्म होता है उसकी 60 वर्ष की आयु होती है, सोमवार का जिसका जन्म होता है ये 84 वर्ष की आयु होती है, मंगलवार की जो आयु है वो 74 वर्ष है, बुधवार की आयु 64 वर्ष है, वीरवार की आयु 84 वर्ष है, शुक्रवार की आयु 60 वर्ष है, शनिवार की आयु 100 वर्ष है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और दूसरी बात, आपकी जो राशि है, जो राशि है यानी लग्न कुंडली में आप अपनी लग्न कुंडली, जो आपकी जन्म कुंडली में लग्न कुंडली है, जन्म कुंडली में आप देख लीजिए कि कौन से स्थान पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, कौन से नंबर पर आपका चंद्रमा है। तो यहां पर 8 नंबर का चंद्रमा है, यानी वृश्चिक राशि बनती है, क्योंकि 1 नंबर पर मेष राशि और मेष राशि के जो वर्ष है वो 75 वर्ष 2 महीने है, और वृष राशि का 85 वर्ष 6 माह, मिथुन राशि 85 वर्ष, कर्क राशि 70 वर्ष, सिंह राशि 65 वर्ष, और कन्या राशि 84 वर्ष, तुला राशि 85 वर्ष, वृश्चिक राशि 75 वर्ष, धनु राशि 85 वर्ष, मकर राशि 81 वर्ष, कुंभ राशि 61 वर्ष और मीन राशि 61 वर्ष। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। तो देख लीजिए, आज मैं इसी के आधार पर आपकी आयु बताऊंगा कि आपकी मृत्यु किस सन में होगी। तो ये 90% ये फॉर्मूला सटीक बैठता है। तो सबसे पहले तो हमने लेना है जन्म कुंडली से कौन सी राशि बनती है। माना 13 अगस्त 1986 1986 का बर्थ है, इनका जन्म है और बुधवार के दिन इनका जन्म हुआ, ये कुंडली लेते हैं। अब इसकी आयु का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले तो हम बुधवार देखेंगे कि बुधवार को जन्म हुआ। अब हम यहां पर देखेंगे कि बुधवार के कितने वर्ष होते हैं। बुधवार के वर्ष हैं 64, 64 ईयर, है ना, 64 जो ईयर्स है ये है बुधवार के। तो हमने यहां पर लिख दिया 64 वर्ष बुधवार के। अब हमने देखना है कि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के जो वर्ष है, और हमने देखना है वृश्चिक राशि कहां पर है, वृश्चिक राशि है ये 8 नंबर की, वृश्चिक राशि के जो वर्ष है वो है 75 वर्ष। अब हमने इसमें जोड़ देना है, ये प्लस कर देना है, 64 में 75 जोड़ दिया तो 139 बन गया, 139 ये इसका जोड़ आ गया है। अब जब ये जोड़ आ जाएगा तो उसमें हमने क्या करना है, 139 में 2 का भाग देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो 69 वर्ष की इस व्यक्ति की आयु है, 69 वर्ष की इस व्यक्ति की आयु है। अब हमने देखना है कि 1986 का जो जन्म का सन है इनका, उसमें 1986 में हमने 69 जोड़ देना है, प्लस कर देना है, तो ये 2055 यानी 2055 में इस व्यक्ति की मृत्यु है। ये तो है सिंपल फॉर्मूला कि यानी कि जो 2055 का वर्ष है ये इस व्यक्ति के लिए कष्टकारी है। अब हमने देखना है, क्योंकि द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान और अष्टम स्थान को हम, ये जो दो घर है मारक घर मानते हैं हम, इनको अष्टम घर मृत्यु का है, तो
इसके अनुसार यहां पर कौन सी राशि है, कौन सा यहां का स्वामी है और किस ग्रह, कौन सा ग्रह वहां पर बैठा हुआ है, उसकी हमने दशाएं देखनी है। जब वो दशाएं यानी 2055 में इस व्यक्ति पर चलेंगी तब तब इसका कष्टकारी समय है और मृत्यु तुल्य कष्ट इसको प्राप्त हो सकता है। देखिए मृत्यु का प्रॉपर विवरण तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जटिल विषय है, पर लेकिन फिर भी उसके जो कष्टकारी वर्ष हैं वो हम बता सकते हैं ज्योतिष के अनुसार कि ये कष्टकारी समय है। और अधिकतर 90% लोगों का जो मरण होता है वो इसी के अनुसार होता है, मतलब उन्हीं सालों में होता है जब हमने यानी बार को और राशि के जो वर्ष है उनको जोड़ करके 2 का भाग दिया और जो वर्ष हमें लब्ध प्राप्त होते हैं यानी प्राप्त होते हैं तो उनमें उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये तो था आपकी मृत्यु का सन। अब मैं इसके अनुसार आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि महीना और दिन के अनुसार भी, ये ज्योतिष का फॉर्मूला है, महीना के और दिन के अनुसार भी मृत्यु की गणना की जा सकती है और वो भी 90% फॉर्मूला है ज्योतिष के अनुसार। ये मानसागरी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है और ये बहुत कम लोगों को पता होता है ये फॉर्मूला, और इसके अनुसार 90% लोगों पर ये घटित होता है। और मैंने अपने जो मतलब कि अपना जो व्यवहार है, जो व्यवहार में जितनी भी कुंडलियां आई है उन पर मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है और ये 90% बिल्कुल फलित होता है, सटीक बैठता है ये फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला मैं आपको दोबारा वीडियो में बताऊंगा कि मृत्यु कहाँ होगी, घर में होगी, हॉस्पिटल में होगी या बाहर होगी, एक्सीडेंट से होगी या रोग से होगी, कौन से रोग से होगी वो भी कुंडली हमें बताती है कि कौन से रोग से मृत्यु होगी, ज्वर से होगी, कैंसर से होगी, हड्डी के रोगों से होगी या हृदयघात से होगी, हार्ट अटैक से होगी या कई सारी मृत्यु की परिभाषाएं आती हैं कि किस चीज से इस व्यक्ति की मृत्यु होगी, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगले वीडियो देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो का आनंद लीजिए और अपनी कुंडली आप खुद देख सकते हैं हमारे और वीडियो को देख करके, और ज्योतिष की पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है यदि आप हमारे चैनल के सदस्य हैं। और आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के माध्यम से आपको, तब तक के लिए नमस्कार।